वेलकम। यह है जो हमारा टॉप क्वेश्चन पार्ट 3 है, उसका सेकंड वीडियो है। हम थे उसका डेड स्मूथ फाइल और स्मूथ फाइल, देन यह हमारा टीथ आर कॉट ऑन फेस ऑफ फाइल इन एंगल ऑफ सेंटर लाइन इज डैश 60 डिग्री। रास्प कट फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग ऑफ वुड एंड वन ऑनली। देन कॉर्प कट फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग ऑफ सॉफ्ट मेटल। जनरली फाइल आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 100 mm टू 450 mm। देन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एंगल शुड बी फॉर्म बिटवीन सुपर आर्म टू एंड फॉर आर्म इज डैश 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है आपको जनरल नॉलेज के लिए। देन टू सेव द सॉ फाइल इज डैश नाइफ एज फाइल। देन कोर्स फाइलिंग इज यूज फॉर टू रिमूव द मोर क्वांटिटी ऑफ मेटल। स्ट्रेट फाइलिंग इज यूज टू रिमूव द लेस क्वांटिटी ऑफ मेटल। टू मेक द की ऑफ लॉक इज यूज फॉर नेफ एच फाइल। स्क्रापर इज ए टूल ऑफ डे स्कॉटिंग टूल। द स्क्रापर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। द फ्लैट स्क्रापर इज यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट ऑफ फ्लैट फिनिशिंग। हाफ राउंड स्क्रापर इज यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट ऑफ राउंड सर्फेस। ट्रांगुलर स्क्रापर इज यूज टू रिमूव द सर्व कॉर्नर ऑफ द एंगुलर एंड कॉर्व सर्फेस। हॉक स्क्रापर इज यूज टू मेक द एक्यूरेसी फ्लैट सर्फेस एंड राउंड सर्फेस फ्लैट सर्फेस। देन टू शार्प द कटिंग एज ऑफ स्क्रैपर इज यूज टू ऑयल स्टोन। देन स्क्रैपिंग इज डन ऑन वर्क इज इन द एंगल ऑफ डैश 30 डिग्री। ये एक इम्पोर्टेंट है। स्क्रैपिंग इज डन ऑन वर्क इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाउ मच मेटल रिमूव बाई स्क्रैपर 0.07 mm। द कटिंग ऑफ ऑयल ग्रुप बेस आर टू बी कॉट इन ब्रास बेयरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज सूटेबल। हाफ राउंड नॉच चीजल जो मशीनिस्ट में आया था, मैं आपको बताया था, जो ये जितना भी मैं अभी बता रहा हूँ वो मशीनिस्ट, टर्नर और फिटर तीनों का एक ही है। और एक बार बता दें, द कटिंग ऑफ ऑयल ग्रुप बेस आर टू बी कॉट ब्रास बेयरिंग व्हिच वन द फॉलोइंग चीजल इज सूटेबल। हाफ राउंड नॉच चीजल्स 1999 मशीन स्टेट में आया था। द ग्रुप इन बिगिनिंग चिप बाई मीन्स ऑफ चीजल। हाउ यू अवॉइड द मेटल ब्रेकिंग ऑफ एज लैम्प बिट व्हेन रीच एंड द ग्रुप। द एंड पोजिशन इन चिपेड फ्रॉम द अपोजिट डिरेक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आया था मशीनिस्ट 2000 और 2001 में, और टर्नर में 2002 में आया था। देन यू हैव टू फाइल एन एल्यूमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिशिंग व्हिच ऑन द फॉलोइंग द कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सुइटेबल। हमारा कॉर्प कट फाइल। ये भी क्वेश्चन आया था मशीनिस्ट 2000 में। द रिमोर टीथ एंड स्पेसिंग आर डिजाइनेटेड टू असिस्ट असिस्टिंग असिस्ट मोर एक्यूरेट हॉल विथ गुड सर्फेस फिनिशिंग। हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नंबर टीथ एंड दे आर स्पेसिंग। द इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अन इवन स्पेसिंग। ये भी मशीनिस्ट 2001 में आया था क्वेश्चन। देन डिफेक्ट इन द रिमेड हॉल हुई ऑन द फॉलोइंग फेट मेनी ऑकर इन रिमेड हॉल ड्यू टू द कटिंग एज ऑफ रिमोर लिविंग चिपेड ऑफ डैश। ये टर्नर 1999 में आया था। द चैटरिंग मार्क्स कमिंग देन द थ्रेड कटिंग बाई स्टेप टेप्स व्हिच वन द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सेट स्टेटमेंट इज करेक्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू द स्पायरल फ्लूड टेप्स। ये है हमारा यूज टू टेप हॉल विथ स्लॉटेड। ये भी क्वेश्चन आया था हमारा टर्नर 1999 में। टू साइज द सेंटर ऑफ ड्रिल इज सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ डैश डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। ये टर्नर 2001 में आया था ये क्वेश्चन। टू साइज ऑफ द सेंटर ऑफ ड्रिल सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ द डैश डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। देन ए नॉट टू बी मेड ऑफ स्क्रू ऑफ M10 इंटू 1.5 व्हाट इज द ड्रिल साइज इज 8.55। ये टर्नर 2001 में आया था क्वेश्चन। देन ड्यूरिंग ड्रिलिंग इज इट इज ऑब्जर्व दैट द चिप
फॉलिंग आउट कंटिन्यूसली थ्रो ऑन लिप ओनली द पॉसिबल रीजन ऑफ डेस एंड यू का लिप एंगल, ये मेसिनिस्ट 2003 में क्वेश्चन आया था। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन रेल इज क्रेजेट, यह है वीक कटिंग एज, टर्नर टू में आया था। देन द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिकिंग रोटेशन ऑफ सेंट्रो ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज ऑफ प्रोटोसेटिंग द सेंटर हॉल इज डेस, वो है 90 डिग्री, टर्नर टू मशीनिस्ट फॉर में क्वेश्चन आया था। देन आफ्टर टेपिंग इट इज फाइंड आउट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड इज नॉट फॉर्म प्रॉपरली, व्हाट विल बी द रीजन ऑफ डेस, द होल साइज इज मोर देन द टेप, ये मॉक टेस्ट फिटर 2004 में आया था। देन लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन, द ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूस रॉ फॉल, व्हाट विल बी द रीजन ऑफ डेस, फीड रेट इज वेरी हाई, ये हमारा मॉक टेस्ट 2004 में आया था। ये तो था हमारा जो ITI फिटर मशीनिस्ट और टर्नर का टॉप क्वेश्चन पार्ट थ्री का लास्ट मल्टीप्ले क्वेश्चंस। देन हम उसका मैचिंग क्वेश्चन देखेंगे, ये कुछ उसका मैचिंग क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए आपको दोस्त लोग को, क्योंकि उन लोग को भी एक टॉप क्वेश्चन के बारे में नॉलेज आ जाएगा।